बीसीसीआई ने टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस कर दी है। उस स्क्वाड में रोहित शर्मा कैप्टन है, वहीं वाइस कैप्टन है हार्दिक पांड्या। वहीं टीम इंडिया में एंट्री हुई है ऋषभ पंत की, संजू सैमसन की और युजवेंद्र चहल की। इन सब का साथ निभाने के लिए बैट्समैन है यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे और बॉलर में शामिल है कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। वहीं एक्स्ट्रा में रखा गया रिंकू सिंह को, शुभमन गिल को, जिसके चलते लोग कमेंट कर रहे कि क्यों आप लोगों ने रिंकू सिंह को मेन स्क्वाड में नहीं रखा है, आप लोगों ने क्यों शिवम दुबे को रखा है। शिवम दुबे तो खाली आईपीएल में ही परफॉर्म करते हैं, इवन रिंकू सिंह तो सारे फॉर्मेट में परफॉर्म करते हैं, आईपीएल को छोड़ करके भी परफॉर्म करते हैं, क्यों रिंकू सिंह को मेन स्क्वाड में नहीं रखा। लेकिन उसी के बीच केएल राहुल और दिनेश कार्तिक को भी नहीं रखा है टीम इंडिया में। तो केएल राहुल ने एक स्टोरी पोस्ट करी थी उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर, हालांकि उस स्टोरी को केएल राहुल ने रिमूव कर दिया है। उन्होंने एक स्टोरी तो लगाई थी रोहित शर्मा के बर्थडे पर, हैप्पी बर्थडे किंग। वहीं उन्होंने एक और स्टोरी पोस्ट की थी, उसमें लिखा हुआ था साइलेंस इज द बेस्ट आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन, स्माइल इज द बेस्ट रिएक्शन इन एवरी सिचुएशन। और इस स्टोरी के बाद इनके जो फैंस थे वो काफी ज्यादा सैड हो गए और ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे कि जस्टिस फॉर केएल राहुल। केएल राहुल हालांकि परफॉर्म भी काफी अच्छा कर रहे हैं आईपीएल में, तो यही रिएक्शन आया केएल राहुल की तरफ से। अगर और कोई भी क्रिकेटर का रिएक्शन आएगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज़।